बुलेटिन में सबसे पहले बात राज्यसभा चुनाव की। तो जयपुर के होटल जेडब्ल्यू मैरियट में आज कांग्रेस विधायकों की कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीति और प्रक्रिया को लेकर चर्चा हुई। सीएम गहलोत ने विधायकों को एकजुटता का संदेश दिया, साथ ही दोनों सीटें जीतने का दावा किया। गहलोत ने विचारधारा की जंग को जीतने का आह्वान भी किया, तो वहीं एआईसीसी प्रवक्ता और कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक रणदीप सुरजेवाला ने भी विधायकों को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की आर्थिक नीति के खिलाफ अपनी बात रखी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान की आर्थिक नीतियों के बारे में जानकारी दी। सुरजेवाला ने कोरोना संक्रमण के दौरान सीएम गहलोत के प्रबंधन की भी जमकर तारीफ की। इस कार्यशाला में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। आपको बता दें कि 16 और 17 जून को कांग्रेस की ओर से विधायकों को मॉक पोलिंग कर प्रक्रिया समझाई जाएगी। वहीं विधायकों के लिए होटल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसके तहत कवि संपत सरल ने कविता पाठ किया। ये लोग उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके सहयोगी अमित शाह, तो आज सारा का सारा जो है बीजेपी किस तरह से काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी किस तरह से काम कर रहे हैं देश के लिए, वो सारी बातों पे डिस्कस हुआ है। 6 साल के पीरियड में जो जो बातें उन्होंने कही, चाहे वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो सबको साथ लेके चलने की बात हो, चाहे वो किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, चाहे लोगों को अच्छे दिन आने की बात हो, चाहे 15 लाख रुपए जेब में देने की बात हो, ये सारी बातें डिस्कस हुई। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कस ये हुई कि आज जिस प्रकार से लॉकडाउन होने के बाद हमारे डीजल के और पेट्रोल के जो भाव बढ़ रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में भाव कम हो रहे हैं, तो ये पैसा जो इकट्ठा किया जा रहा है, ये जनता का पैसा है, ये जनता की खरी कमाई है। आज वो पैसा कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं है। सबसे ये बात भी डिस्कस हुई है कि आज जो है देश इतनी मुश्किल घड़ी में चल रहा है, बहुत सी दिक्कतों का सामना कर रहा है, लेकिन बड़े बड़े घराने जो हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, जो ये 4-5 जो बड़े घराने हैं, उनके जो है लाखों करोड़ रुपए जो उनके माफ कर दिए, इन सारी चीजों पे डिस्कस हुआ है। बुढ़ानिया जी, विधायकों को सभी को रुकने के लिए बोला है, लेकिन पीसीसी चीफ दिल्ली चले गए हैं। देखिए, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, किसी पे पाबंदी नहीं है कि वो यहाँ पे जो उनको रहना ही पड़ेगा, लेकिन सब लोग जो है अपनी मर्जी से और कांग्रेस के संदेश से और हाई कमांड के निर्देश के ऊपर हम सब लोग इकट्ठे हैं। पायलट साहब, रमेश मीणा की लगातार नाराजगी, वो आज भी नहीं पहुँचे। देखिए, ये बात जो है नेता लोग बात कर रहे हैं, उनकी क्या नाराजगी है, नाराजगी होगी तो दूर करेंगे। रमेश जी अच्छे इंसान हैं, अच्छे व्यक्ति हैं।